जिन लोगों की गार्डनिंग की हॉबी है, जिन्होंने अब तक शुरू नहीं किया है और वो अपना बालकनी गार्डन या टेरेस गार्डन शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें 3 पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखना होगा। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। वहाँ पे मौसम गर्म रहता है, ठंडा रहता है, या गर्मी में गर्मी, सर्दी में बहुत सर्दी होती है, तो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप प्लांट सेलेक्ट करें। दूसरा है कि जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ का पानी कैसा है, खारा पानी आता है, नॉर्मल पानी आता है। तो पानी का कैसे पता चलेगा कि अगर खारा पानी है तो वो तो टेस्ट से ही आपको पता चला है। नॉर्मल में भी अगर आप उसको स्प्रे करते हैं या गमलों के अंदर डालते हैं तो आपने देखा हो कभी कभी मिट्टी पे वाइट सी परत जम जाती है, तो दैट मीन्स कि उसमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है। उस तरह की मिट्टी में प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं। मैं जहाँ रहती हूँ NCR में, यहाँ का पानी भी ऐसा ट्रीटेड वाटर है, क्योंकि हम अपार्टमेंट्स में जहाँ रहते हैं तो यहाँ पर ट्रीटेड वाटर आते हैं, तो लेकिन उसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं। अब देखिए जैसे तुलसी का प्लांट है, कितने टाइम हो गए हैं बस ये इतना का इतना ही है, ये जो प्लांट लगाए कई बार ऐसे होते हैं देखो, जैसे ये प्लांट है गिर गए हैं तो इसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं इनमें RO का पानी डाल देती हूँ। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस जगह पर आप अपना बालकनी गार्डन शुरू करने वाले हैं, टेरेस पे शुरू करने वाले हैं, तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ पर धूप कितने टाइम के लिए आती है। सुबह की आती है, दोपहर के बाद की धूप आती है, पूरा दिन धूप आती है, तो उस हिसाब से प्लांट का सिलेक्शन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा धूप वाले पौधों को आप छाया में नहीं रख सकते हैं, छाया वाले प्लांट्स को आप धूप में नहीं रख सकते हैं, तो इन 3 चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखें। और गार्डनिंग का जो आपका हॉबी है आप उसे ज़रूर शुरू करें, और खुश रहें, घर पर रहें, सेफ रहें।